सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का वीडियो खास करके विद्यार्थियों के लिए है, खास करके कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी हर माह 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही उस छात्रवृत्ति को अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर करके उसको विड्रॉल कर सकते हैं। साथियों, इस ऐप में केवल आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको क्विज करनी है, और क्विज करने के बाद फिर आपको अर्निंग होगी और उस अर्निंग को आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। यह जो ऐप है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये श्री अरविंदो सोसाइटी की एक पहल है विद्यार्थियों के लिए, ताकि वे पढ़ाई से बने रहे। इसमें कुछ जो प्रश्न हैं वह आपके स्तर अनुसार से, कक्षा के स्तर के अनुसार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल 10 प्रश्न होंगे। 10 में से यदि आपके 8 प्रश्न सही होते हैं तो आपको 50 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है स्कॉलरशिप स्वरूप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें से स्कॉलरशिप की राशि अर्जित कर सकते हैं। इसके तहत आप हर महीने 1,000 की धनराशि स्कॉलरशिप के तहत जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ साथ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से वे पढ़ाई के साथ साथ कुछ धनराशि भी अर्जित कर सकते हैं, और उस धनराशि का उपयोग वे अपने पढ़ाई के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं, अपने कुछ आवश्यक जो सामग्री है उनके लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इस ऐप का उपयोग करके स्कॉलरशिप की राशि हर महीने 1,000 रुपए जीत सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जानी है, और वहाँ आपको इस तरह से AURSCHOLAR टाइप करके आपको सर्च करनी है। सर्च करने पर इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, फिर आपको ये इंस्टॉल पे क्लिक करके इस ऐप को हमें अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो कुछ समय बाद यह ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल के बाद इस तरह से ओपन दिखाई पड़ेगा, फिर हमको ये ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारा इंटरफेस इस तरह से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर लिखा है देखिए ऑरो स्कॉलर, और नीचे में लिखा है टू प्रोसीड नेक्स्ट। इसका उपयोग टीचर भी कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का लाभ टीचर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट की, तो यहाँ पे हमको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लिखा हुआ है फोन नंबर, और ऊपर में लिखा है आइडियल ऐप फॉर योर एजुकेशन। तो यहाँ पे हमको अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर एंटर कर देनी है, और एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें ये सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल पर 6 अंक का एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को यहाँ पे हमको डालने के बाद ये कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करनी है। तो इस तरह से ओटीपी फिट करने के बाद हमको ये कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से और स्कॉलरशिप का होम पेज दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है मैथ्स क्वेश्चन पावर्ड बाई कैम्ब्रिज, और नीचे में लिखा है मार्च स्कॉलरशिप। तो अभी क्योंकि मार्च महीने चल रहा है, इस नाम से यहाँ पर मार्च माह का स्कॉलरशिप आ चुका है। तो इस तरह से आप हर महीने 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके मेनू के बारे में कि हमको क्या क्या जानकारी इसमें फिल करनी है। तो सबसे पहले देखिए टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है 3 लाइन, उसको हमको टच करना है, ये हमारा मेनू है। जैसे ही हम 3 लाइन को टच करते हैं तो इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर मोबाइल नंबर ही आपका आईडी है, इस तरह से मोबाइल नंबर लिखा होता है। फिर यहाँ पर नीचे में दिया है KYC वेरीफिकेशन। जैसे ही हम ये KYC वेरीफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है। यह हमारा वॉलेट है, यहाँ पर लिखा है योर वॉलेट। और उसके बाद देखिए नीचे में पहला नंबर ऑप्शन दिया है अपलोड KYC डॉक्यूमेंट, सेकंड में लिखा है KYC वेरिफिकेशन, और नंबर में दिया है, नंबर 3 में दिया है क्विज वेरिफिकेशन, और नंबर 4 दिया है ट्रांसफर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आप KYC कर सकते हैं। तो फर्स्ट में दिया है आईडी प्रूफ फ्रंट साइज, तो कोई भी यदि आपका आईडी प्रूफ है यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड, उसका आपको यहाँ पर फ्रंट को क्लिक अपलोड करनी है। जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शंस आएगा, उसको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अपने मोबाइल से या फिर डायरेक्ट फोटो खींच के या फिर आपके मोबाइल में जो भी आप पहले से खींच करके रखे हुए हैं फोटो, उसको अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह से फिर आपको सेकंड में आपको आईडी प्रूफ का बैक साइड अपलोड करनी है, तीसरा में आपको स्कूल आईडी कार्ड का आपको ईमेल अपलोड करनी है, और नंबर लास्ट में दिया है अपलोड योर फोटो। तो यहाँ से आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके बाद हम बैक खोलते हैं, बैक खोलने के बाद फिर से देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या करनी है। फिर दिया है आपको देखिए नीचे में दिया है फ्रेंड्स लीडर बोर्ड, इसको क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स जो फ्रेंड के लीडर बोर्ड है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इन्वाइट पे क्लिक करके अपने दोस्तों को भी इसके लिए इन्वाइट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर अगला दिया गया है सर्टिफिकेट्स। जैसे ही हम सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको अपना सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। यदि हम कोई सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं इस
ऐप के अंदर, तो वह सर्टिफिकेट को हम यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करके। यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। फिर अगला जो ऑप्शन दिया गया है उससे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक करके हम अपना पेमेंट संबंधी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि आपको कोई अमाउंट रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वेरीफिकेशन इस प्रोग्रेस में है 50 रुपीज़ और स्कॉलरशिप अमाउंट अप्रूव्ड 0। जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है अप्रूव्ड हो जाती है तो उसको आप सीधे अपने अकाउंट पर विड्रॉल कर सकते हैं ट्रांसफर करके। फिर बात करते हैं यहाँ पर देखिए चेंज ग्रेड दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना क्लास चयन कर सकते हैं जिस क्लास में आप अध्ययनरत। इस तरह से जैसे ही हम प्लीज सेलेक्ट योर क्लास पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपना क्लास चयन कर सकते हैं जिस क्लास में हम अध्ययनरत हैं। उसके बाद एक कंफर्म ग्रेड पे क्लिक करके हम अपना क्लास कंफर्म कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया है चेंज लैंग्वेज का, यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी में क्विज करनी है तो आप हिंदी चयन कर सकते हैं या फिर इंग्लिश कर सकते हैं। चलिए अभी हम हिंदी चयन कर लेते हैं इस तरह से। फिर हमें ओके बटन पे प्रेस कर देनी है। जैसे ही आप हिंदी पर चयन करते हैं तो हमारा जो पूरा है लैंग्वेज इसका हिंदी में चेंज हो जाता है इस तरह से देखिए। उसके बाद नीचे में आपको दिया है गोपनीय नीति, इसको आप पढ़ सकते हैं। और नीचे में दिया सत्रांत का, यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आप क्विज खेल सकते हैं और धनराशि अर्जित कर सकते हैं, स्कॉलरशिप अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, उसके जस्ट ऊपर में देखिए यहाँ पे आपको लिखा है 8/10 यानी कि 8/10 स्कोर करें और प्रत्येक क्विज के लिए 50 रुपए जीते, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके क्विज में आएंगे और जिसमें आपके 8 क्वेश्चन के आंसर सही सही होने पर ही आप 50 रुपए की धनराशि जीत सकते हैं, अर्थात 80% आपका स्कोर सही होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको विषय दिया गया है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस इस तरह से दिया गया है। तो जिस भी विषय का आप क्विज करना चाह रहे हैं हमको उस विषय के ऊपर से इस तरह से क्लिक करनी है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमको इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है और यहाँ पर देखिए स्कोर 0 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर लिखा है शुरू करें, तो हमको ये शुरू करें पे क्लिक करना है। जैसे ही हम शुरू करें पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज आ जाता है इस तरह से, कुछ परमिशंस मांगेगा जिसको हमको अलाउ कर देनी है इस तरह से। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखाई पड़ रहा है, कृपया अपना चेहरा बॉक्स के अंदर रखें, यानी कि आपको ये बॉक्स के अंदर अपना चेहरा रखने के बाद आपको इस तरह से फोटो कैप्चर कर लेनी है और कैप्चर करने के बाद ये प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा, जो आपकी जो फोटो है वह पूरे क्विज के दौरान आपके क्विज पर दिखाई पड़ेगा ताकि यह पता चल सके कि यह क्विज वास्तव में विद्यार्थी ही कर रहा है जिस विद्यार्थी ने लॉगिन किया है इस तरह से। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इन इंस्ट्रक्शन को हमको पढ़ लेनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लीज रीड। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो टेस्ट है वह शुरू हो चुका है। यहाँ पर लिखा है टेस्ट नेम ग्रेड 3.7 मैथ्स हिंदी में आपको दिया गया है। यहाँ पर समय आपका स्टार्ट हो चुका है, 10 मिनट का हमको समय दिया जाता है, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय। कुल 10 मिनट के अंतर हमारे सामने 10 प्रश्न आएंगे जिसका हमको उत्तर देनी है इस तरह से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है पिंटू के पास 2 हार है जिसमें प्रत्येक में 10 मोती है और उसके पास 2 अधिकतम मोती है, पता लगाइए कि उसके पास कुल कितने मोती है। तो हमको जो सही उत्तर है उस पर हमको क्लिक कर लेनी है, क्लिक करने के बाद सेव नेक्स्ट करते जाना है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए नीचे पे जो आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, कैमरा दिखाई पड़ रहा है, इस कैमरे पे आपकी छवि आनी चाहिए और इस तरह से पूरा जो क्विज है आपका कंप्लीट होने के बाद लास्ट टाइम आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप बैक होते हैं तो आपके हम क्विज को सबमिट करेंगे। उसके बाद हम जब बैक होते हैं तो यहाँ पर देखिए जो रुपए दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर हमारा रुपए ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे सामने देखें हमारे 50 दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही हम क्विज को कम्प्लीट करेंगे तो यहाँ बढ़ते जाएगा और हर विषय में 4 क्विज दिए गए हैं इस तरह से 50-50 रुपए का, यानी कि एक विषय पर आपको 4 क्विज यानी कि कुल 200 रुपए आप एक विषय से अर्जित कर सकते हैं इस तरह से। हर विषय में आपको 200-200 रुपए प्राप्त होंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप क्विज को कंप्लीट करने के बाद हर महीने 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप की राशि जीत सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। साथ ही साथ आप अपने जो पढ़ाई की स्किल है उस दक्षता की भी जाँच कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वह कितना आपको याद है और किस तरह से आपको और आगे रणनीति बनानी है और किस तरह से और आगे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो साथियों इस तरह से आसानी से जो जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं कक्षा 5 से लेकर के 10वीं तक के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इस ऐप के माध्यम से अपने स्किल की जांच भी कर सकते हैं और साथ ही खेल खेल में क्विज करने के बाद वे स्कॉलरशिप की राशि भी अर्जित कर सकते हैं। तो साथियों यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उस राशि को विड्रॉल कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।